सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। एंड दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशल आपकी डिमांड के ऊपर बना है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं चार स्मार्टफोन के बीच में डिटेल में परफॉर्मेंस टेस्ट एंड बैटरी ड्रेन टेस्ट, जो कि रहने वाले हैं वीवो T2X 5G, रियलमी C55, रियलमी 10 एंड पोको X4 प्रो 5G डिवाइसेस। सो इन चार स्मार्टफोन के बीच में डिटेल में टेस्टिंग करेंगे एंड बताएंगे कि बजट कैटेगरी में आपको कौन सा फोन बेटर परफॉर्मेंस देगा एंड बेटर बैटरी बैकअप देगा। सो लास्ट में वीडियो का जो रिजल्ट है वो चेकआउट कर लेना, काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट रहने वाला है। तो चलिए, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिए। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, इन चार स्मार्टफोन में से आपके पास कौन सा फोन है आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। एंड वैसे भी फ्लिपकार्ट पे सेल चालू हो चुका है, तो सभी स्मार्टफोन के ऊपर जबरदस्त डिस्काउंट मिल जाता है, तो आपके स्मार्टफोन परचेस करना है तो फ्लिपकार्ट पे विजिट करके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले नजर डालेंगे सभी स्मार्टफोन के प्रोसेसर के ऊपर। तो सबसे पहला स्मार्टफोन है वीवो T2X 5G, जिसमें आपको डायमेंसिटी 6020 का लेटेस्ट मीडियाटेक का प्रोसेसर मिल जाता है। उसके बाद है रियलमी C55, जिसमें आपको मीडियाटेक G88 का प्रोसेसर मिल जाता है। उसके बाद है Realme 10, जिसमें आपको लेटेस्ट Helio G99 का प्रोसेसर मिल जाता है। एंड लास्ट में दे सकते हैं Poco X4 Pro 5G डिवाइस, जिसमें आपको Snapdragon 695 का प्रोसेसर मिल जाता है। एंड इसके बाद दोस्तों, सभी स्मार्टफोन की जो बैटरी वो यहाँ पे 100% फुल्ली चार्ज हो चुकी है, क्योंकि हमको चेकआउट करना है कि 100% में से कितना बैटरी यहाँ पे ड्रेन होता है। तो चलिए टेस्टिंग को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले टेम्परेचर को नोट डाउन करेंगे। सो वीवो का टेम्परेचर है 32, रियलमी का टेम्परेचर 32, उसके बाद रियलमी का टेम्परेचर 32, बस पोको का टेम्परेचर यहाँ पे 33 डिग्री सेल्सियस है। एंड यहाँ पे टाइमिंग के बारे में बात करेंगे तो 1:07 हो चुका है, क्योंकि हमारे जो टेस्टिंग है लगभग 1 घंटे तक चलने वाली है। सो देखते हैं कि 1 घंटे में कौन सा फोन सबसे ज्यादा बैटरी को ड्रेन करता है। तो सबसे पहला टेस्टिंग हम करने वाले अंतुदु बेंचमार्क को, जो कि लाइव टेस्टिंग करने वाले। तो चलिए, सभी स्मार्टफोन में हमने यहाँ पे अंतुदु बेंचमार्क को स्टार्ट किया है, तो देखते हैं कि कौन सा फोन सबसे ज्यादा फास्टर आपको यहाँ पे अंतुदु बेंचमार्क स्कोर निकाल के देता है। एंड इससे भी सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज की कौन सा फोन का स्कोर सबसे ज्यादा निकल के आ जाता है वो भी हमको देख रहे हैं। तो चलिए टेस्टिंग को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आपने देखा कि सबसे पहले अंतुदु बेंचमार्क स्कोर रियलमी 10 डिवाइस में आ चुका है, एंड उसके बाद पोको X4 प्रो डिवाइस में आ चुका है, एंड उसके बाद रियलमी C55 एंड T2X डिवाइस में यहाँ पे रिस्पेक्टिवली स्कोर निकल के आ चुका है। लेकिन दोस्तों, बात करना है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर किसका निकल के आ चुका है, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर मुझे यहाँ पे देख सकते हैं वीवो T2X 5G डिवाइस में देखने को मिला है, जो कि 373,000 से भी ज्यादा स्कोर है। एंड उसके बाद दोस्तों नंबर आता है पोको X4 प्रो 5G डिवाइस, जिसमें आपको 332,000 से भी ऊपर आपको यहाँ पे स्कोर निकल के आ चुका है। एंड इसके बाद नंबर आता है रियलमी 10 डिवाइस, जिसमें आपको 316,000 से भी स्कोर निकल के आ जाता है। एंड सबसे लास्ट है रियलमी C55, जिसमें आपको 209,000 का स्कोर निकल के आ जाता है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे वीवो T2X 5G डिवाइस यहाँ पे विनर हो चुका है। चलिए दोस्तों, बात करेंगे इसके बाद सेकंड जो टेस्ट रहने वाला है वो है CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट। तो चलिए, सभी टेस्ट में यहाँ पे 50 मिनट का टाइम मैंने सेट किया है, तो 15 मिनट का लगभग टेस्टिंग चलेगा, तो यहाँ पे डिवाइस थोड़ा बहुत हीट हो जाएगा। तो चलिए टेस्टिंग को स्टार्ट करते हैं, एंड एक बार सभी फोन का टेम्परेचर वो भी नोट डाउन करेंगे। सो सबसे पहले वीवो का टेम्परेचर है 39, रियलमी C50 का टेम्परेचर यार 43 डिग्री सेल्सियस, रियलमी 10 का टेम्परेचर है 39, एंड पोको का टेम्परेचर है वो यहाँ पे 38 डिग्री सेल्सियस। तो टेस्टिंग ऑलमोस्ट देख सकते हैं यहाँ पे 1 मिनट से भी ज्यादा ऊपर हो चुका है। एंड यार पोको X4 Pro 5G डिवाइस में स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर मिल जाता है, लेकिन यार शुरुआती से देखेंगे कितना ज्यादा CPU थ्रॉटल करता है, पूरा का पूरा रेड बार यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। वैसे दोस्तों, पोको के फोन में काफी सारे बेटर स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं, लेकिन स्नैपड्रैगन 695 के वजह से आपको परफॉर्मेंस उतना ज्यादा बेटर देखने को नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 मिनट कम्प्लीट हो चुके हैं, एंड 15 मिनट कम्प्लीट होने के बाद CPU परफॉर्मेंस टेस्टिंग में देखेंगे एक नंबर आ चुका है वीवो T2X 5G डिवाइस का, जिसमें 86% देखेंगे बेटर CPU परफॉर्मेंस मिला है। उसके बाद है रियलमी 10, जिसमें आपको 77% का बेटर परफॉर्मेंस मिला है, एंड उसके बाद है रियलमी C55, जिसमें
में आपको 76% बेटर सीपीयू परफॉर्मेंस मिला है एंड पोको एक्स फोर प्रो 5G डिवाइस में दे सकते हैं सिर्फ 61% का यहाँ पे परफॉर्मेंस मिला है। सो पोको के फोन यार काफी ज्यादा यहाँ पे डाउन हो चुके अपडेट करने के बाद। तो चलिए दोस्तों अगला टेस्टिंग करेंगे जो की 3D Mark Wild टेस्ट, जो कर सारे स्मार्टफोन का ग्राफिक चेक करने के लिए। तो चलिए चारों का चारों स्मार्टफोन का ग्राफिक कैसा है वो भी हम चेकआउट करेंगे। लेकिन यार यहाँ पे लाइट जा चुका है, लेकिन यार टेस्टिंग रुकेगी नहीं, तो टेस्टिंग कंटिन्यूसली चलेगी, तो कोई बात नहीं लाइट गया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे जो टेस्टिंग है उसको स्टार्ट करते हैं एंड जस्ट देखते हैं कि ग्राफिक्स क्वालिटी आपको कौन से फोन में सबसे बेटर देखने को मिल जाएगी। सो गेमिंग करने के लिए भी यार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए रिजल्ट भी आ चुका है एंड सबसे पहले रिजल्ट देख सकते हैं, एक नंबर आ चुका है पोको एक्स फोर प्रो 5G डिवाइस का सबसे हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे निकल के आ चुका है, जो कि आप देख सकते हैं 1206 का देखेंगे सबसे हाईएस्ट स्कोर है। एंड उसके बाद है वीवो T2X एंड उसके बाद ही रियलमी 10 एंड सबसे लास्ट सबसे कम आपको स्कोर आ चुका है रियलमी C55 का। सो वीवो T2X वो भी काफी बेटर आपको ग्राफिक्स प्रोवाइड करता है बजट कैटेगरी में। चलिए इसके बाद दोस्तों सभी डिवाइसेस में वीडियो रेंडरिंग एंड वीडियो एक्सपोर्टिंग की जो स्पीड है वो चेकआउट करेंगे, क्योंकि यार आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो आजकल सभी लोग यार वीडियो एडिटिंग करते हैं अपने डिवाइसेस में। तो चलिए सभी फोन में मैंने सेम काइनमास्टर का वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल किया है, सभी फोन में जो वीडियो का लेंथ है सेम टू सेम है एंड जो एक्सपोर्टिंग है मतलब ये वीडियो का आउटपुट है रेजोल्यूशन है सेम टू सेम मैंने सभी फोन में रखा है। तो चलिए बेसिक टाइम पे सभी एक ही साथ यहाँ पर वीडियो को एक्सपोर्टिंग स्टार्ट करेंगे, ताकि हमको थोड़ा सा अंदाजा लगेगा कि यार कौन सा फोन सबसे ज्यादा हाईएस्ट आपको वीडियो को एक्सपोर्ट करेगा। सो यहाँ पे आपने देखा कि सबसे पहले एंड फास्टर यहाँ पे रियलमी 10 डिवाइस में वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है एंड उसके बाद तुरंत रियलमी C55 डिवाइस में भी देखेंगे वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है, उसके बाद पोको X4 Pro 5G डिवाइस एंड सबसे लास्ट दे सकते हैं वीवो T2X में वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है। सो नो डाउट यहाँ पे वीडियो रेंडरिंग एंड एक्सपोर्टिंग करने के लिए रियलमी 10 डिवाइस का जो G99 का प्रोसेसर है काफी पावरफुल एंड कैपेबल प्रोसेसर है। तो चलिए दोस्तों ऑलमोस्ट यहाँ पे एक घंटा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि यार 1 बजे के आसपास हमने टेस्टिंग को स्टार्ट किया था। तो चलिए टेम्परेचर को नोट डाउन करेंगे, तो वीवो का टेम्परेचर है 39, रियलमी C55 का टेम्परेचर है 43°C, रियलमी 10 का टेम्परेचर है 41°C एंड पोको का जो टेम्परेचर है वो है 40°C। लेकिन यार चार स्मार्टफोन में से रियलमी C55 का जो टेम्परेचर वो काफी ज्यादा हाई हो चुका है 43°C, यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर है। एंड इसके बाद उसे बैटरी ड्रेन के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे सभी फोन का जो बैटरी था पूरा का पूरा 100% यहाँ पे फुल्ली चार्ज था एंड कौन से फोन का कितना बैटरी यहाँ पे ड्रेन हो चुका है वो भी यार चेकआउट करके देख सकते हैं, क्योंकि सभी फोन में आप 5000mAh का बैटरी बैकअप मिलता है। तो सबसे ज्यादा बैटरी ड्रेन यहाँ पे Realme C55 डिवाइस का हो चुका है एंड उसके बाद दे सकते हैं Poco X4 Pro 5G डिवाइस एंड Vivo T2X 5G डिवाइस का बैटरी ड्रेन हो चुका है एंड सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप आपको Realme 10 डिवाइस में मिल जाता है। सो ओवरऑल दोस्तों बैटरी ड्रेन एंड ओवर हीटिंग के बारे में बात करेंगे, तो Realme C55 यार कुछ ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता नहीं है एंड इसके बाद दोस्तों ओवरऑल बेटर परफॉर्मेंस बेटर बैटरी बैकअप के बारे में बात करेंगे, तो Vivo T2X 5G डिवाइस भी यार काफी बेटर डिवाइस है एंड उसके बाद जो Realme 10 डिवाइस है वो भी यार काफी बेटर आपको रिजल्ट देता है। वैसे दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको चार स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन सबसे बेटर लगा है। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ चुका होगा, तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।